हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस जगन्नाथ कथा के धारावाहिक कथा में क्लास में जगन्नाथ मंदिर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे, जगन्नाथ मंदिर का परिचय करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग पहले चर्चा किए थे कि जगन्नाथ जी का मंदिर महाराज इंद्रदुम्न ने बनाया था वो लाखों करोड़ों साल पहले। उसके बाद मंदिर बहुत बार मंदिर टूटा है और बना है। तो जो मंदिर महाराज इंद्रदुम्न ने बनाया था वो मंदिर आज नहीं है, लेकिन अभी का जो मंदिर है वो रिसेंटली बना हुआ है, उसका डेट है मंदिर बनने का 1078 ईस्वीसन 1078 साल में वर्तमान जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर को बनाया है एक रामानुज आचार्य के शिष्य चोड़गंगदेव नाम के राजा ने इस मंदिर को बनाया और उस मंदिर का समाप्ति हुआ है। पूर्ण उन्होंने स्टार्ट किया था मंदिर बनाना और मंदिर संपूर्ण हुआ है भीमदेव राजा ने, उनके उत्तराधिकारी राजा ने समाप्त किया मंदिर का काम। तो इस मंदिर के बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये मंदिर को उड़िया में बड़ो देउल कहते हैं। बड़ो देउल मतलब मंदिर, बड़ो मतलब बड़ा, बड़ा मंदिर, बड़ देउल, तो बड़ देउल उसका नाम है उड़िया में। और इस मंदिर के अंदर चार भाग है मंदिर का। पहला सबसे बड़ा जो मंदिर दिख रहा है जिसके ऊपर गुंबज है वो मुख्य भाग है मंदिर का, उसका नाम है गर्भगृह, जिसके नीचे जगन्नाथ जी विराज कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो भाग है उसका नाम है जगमोहन कहते हैं, जगमोहन है जहाँ से खड़े रह के भगवान का दर्शन करते हैं। और तीसरा स्थान जिसका नाम है नाट मंदिर और चौथा भोग मंडप, ये चार बागे। नाट मंदिर में सब लोग भगवान के लिए नृत्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ पाठ करते हैं। और भोग मंडप है जहाँ पर भगवान का भोग लगता है। आप कभी भी जगन्नाथ मंदिर को दूर से देखिएगा, फोटो में भी देखेंगे, आपको चार गुंबज दिखाई पड़ेंगे। तो पहला गुंबज हो गया, अगर यहाँ से शुरू करेंगे बाहर से तो भोग मंडप हो गया जहाँ पर भोग लगता है, दूसरा नाट मंदिर, तीसरा नाट मंदिर में नृत्य करने के लिए भगवान को खुशी करने के लिए, तीसरा हो गया जगमोहन जहाँ पर सब लोग खड़े रह के दर्शन कर सकते हैं, और सबके अंदर वाला मुख्य मंदिर है गर्भगृह। अगर मंदिर का ऊपर से देखते फोटो तो दिख जाता है। अब हम एक एक मंदिर के विभाग का थोड़ा चर्चा करते हैं डिटेल में। गर्भगृह के बारे में पहले बोलते हैं। गर्भगृह में जो भगवान जहाँ पर विराज कर रहे हैं जगन्नाथ जी, उस वेदी को अल्टर का नाम है मणिकोठा।
मणिकोठा या रत्न सिंहासन उसका नाम है, बहुत मूल्यवान पत्थर से वो बना हुआ है, इसलिए उसका नाम है मणिकोठा रत्न सिंहासन। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर हजारों शालिग्राम शिलाएँ उस सिंहासन के ऊपर रखी गई है, और उधर जगन्नाथ जी उसके पास में मतलब हजारों शालिग्राम शिला के साथ बना हुआ है, इसलिए उसके ऊपर पांव देना हम लोग वैष्णव लोग उसके ऊपर पांव नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान शालिग्राम रूप में विराज करते हैं। तो केवल उसके ऊपर चढ़ने का अधिकार है, पूजा पंडा का ही केवल अधिकार है। और ये शालिग्राम शिलाएँ नेपाल के राजा ने दान में दी थी मंदिर के लिए, इसलिए इस वेदी के ऊपर नेपाल के राजा को भी अधिकार है ऊपर जाने का, और गजपति का अधिकार है और पूजा पंडा का अधिकार, ये लोग ऊपर जाते हैं भगवान की सेवा पूजा करने के लिए। जब नेपाल के राजा आते तो उनको विशेष प्रिविलेज मिलता है। इस वेदी के ऊपर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, ये चार मुख्य विग्रह, साथ साथ में और भी छोटे विग्रह हैं। ध्यान से देखेंगे तो जगन्नाथ जी के दोनों तरफ श्री देवी और भू देवी का विग्रह है, और कुछ लोग कहते हैं लक्ष्मी देवी या सरस्वती देवी का विग्रह है, और एक भगवान का वहाँ माधव का विग्रह है जगन्नाथ के सामने छोटा सा। प्रतीक तुम इधर बैठ के थोड़ा मोबाइल को ठीक कर सकते हो, कमेंट्स वगैरह आते रहना देखना। मंदिर का जो मेन जो मंदिर है, जो ऊंचा गुंबज है, उसकी ऊंचाई है 214 फुट, या और एक जगह लिखा है 250 फुट। 214 फुट प्लस अगर नील चक्र का ऊंचाई 36 फुट कैलकुलेशन करेंगे तो 250 फुट हो गया, तो टोटल ऊंचाई 250 फुट की है, मतलब समझ लीजिए 20-25 माले का बिल्डिंग इतना ऊंचा। हाँ नहीं, बाहर के रोड से, बाहर का जो रोड है रोड के ऊपर से। ये कुछ गर्भगृह के बारे में बताएं। अब गर्भगृह के बाद नेक्स्ट आता है जगमोहन। जगमोहन मतलब मंदिर के तुरंत जो बाहर नेक्स्ट एरिया है उसको, तो कभी कभी हम लोग जब दर्शन करने जाते तो वहाँ तक हम लोग को जाने मिलता है। वहाँ पर एक दरवाजा है, दरवाजे के बाहर से सबको दर्शन करना होता है, तो उस एरिया को जगमोहन एरिया कहते हैं। जगमोहन के तीन दरवाजे हैं, एक तो जिस दरवाजे से हम लोग प्रवेश करें वो एक दरवाजा है, और जगमोहन में दोनों तरफ और पीछे जगन्नाथ हो गए, सामने हम लोग एंट्री करें वो दोनों तरफ दो दरवाजे जगमोहन के अंदर, उसमें एक दरवाजे से रत्न भंडार के तरफ रास्ता जाता है, और एक दरवाजे से भंडार की तरफ जहाँ पर जगन्नाथ जी के जितने भी बर्तन हैं, जगन्नाथ जी के जितने भी पलंग वगैरह सब कुछ उसमें भरा हुआ है, तो भंडारों में जाने का रास्ता जगमोहन के दोनों तरफ है। इसके बाद नाट्य मंदिर, तो नाट्य मंदिर का सुंदर एक लीला है, बहुत डिटेल में वर्णन किया है, संक्षिप्त बता दें। नाट्य मंदिर मतलब जहाँ पर खड़े होकर के भगवान जगन्नाथ की खुशी के लिए जिसको नृत्य करते भक्त लोग, तो एक मणिदास नाम का जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। इस मणिदास का एक बार भगवान की इच्छा से व उनके भाग्य से उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया,
उनके बच्चों का भी मृत्यु हो गया, तो वह अकेला हो गया। मणिदास अकेला हो गया, उसका संसार पूरा खत्म हो गया। तो मणिदास को बहुत संसार से वैराग्य हो गया। उन्होंने सोचा कि हमारा तो जीवन में और कुछ नहीं है, और कोई व्यक्ति भी हमारा नहीं है, हम अकेले हो गए, तो हमें जगन्नाथ जी का आश्रय लेना चाहिए, हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। ये सोच के वो मणिदास नाम के भक्त ने हरि नाम का आश्रय लिया। उन्होंने सोचा कि हम केवल हरि नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। सब फेसबुक यूट्यूब में ठीक चल रहा है दोनों? तो उसने क्या किया, मणिदास बहुत गरीब थे, नारियल होता है ना, नारियल उसका जो अंदर का, जो नारियल के अंदर का जो एक कठोर सख्त जो भाग होता है, उसको तोड़ के उसका करतल बनाया। तो नारियल का करतल बनाया, और करतल बना के वो जो नाट्य मंदिर है वहाँ पर जाकर के वो कीर्तन करता था, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का वो कीर्तन करता था। और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते करते वो जगन्नाथ जी के भाव में पूरा आ जाता था, और दिन भर जगन्नाथ जी के लिए इस तरह कीर्तन करता था। और पाँव में उसने अपना पायल बांधा था, और नृत्य करके वो पायल जो नुपुर पहना था उसका भी ध्वनि होता था, हाथों में भी घुंघरू वगैरह बांध दिए थे, और इस तरह से करताल बजा के नृत्य करके जगन्नाथ जी को बहुत प्रसन्न करने का प्रयास करता। तो हर दिन इस तरह से वो खाली भगवान के सामने नृत्य करता था, कीर्तन करता था, डेली ऐसे करता था। तो उसी एरिया में एक पांडा विष्णु पुराण का प्रवचन कर रहे थे। तो विष्णु पुराण का प्रवचन करते थे, और भगवान विष्णु की लीलाओं का पाठ कर रहे थे, और बहुत लोग भक्त लोग उनकी पुराण का श्रवण कर रहे थे। श्रवण करते करते सब लोग पूरा मग्न हो गए थे श्रवण करने में। और जब मणिदास पांडा आके कीर्तन करने लगा तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था पुराण पाठ करने में। तो वो लोग ने बोला, अरे तुम इतना आवाज़ क्यों करते हो, हम लोग को पाठ में डिस्टर्ब हो रहा है। तो मणिदास पांडा उनकी बात नहीं सुनना, वो तो कीर्तन करता था। फिर दोबारा जोर से बोला, अरे तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, हम लोग को पाठ करें, तुम क्यों इतना जोर से कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, तुम्हारा पाँव में सब पायल बांध के क्या सब नाटक कर रहे हो। इस तरह से उनको बहुत डांटा। तभी मणिदास पांडा उनका कोई बात नहीं सुना, वो जगन्नाथ को सामने देखते हुए जगन्नाथ को खुशी करने के लिए खाली नाचता रहा और गाता रहा। तो उनको जोर से डांटा, फटकारा, धक्का मारा, और उनको भगा दिया दूसरे लोगों ने मिल के। तो फिर क्या हुआ, फिर वो उसको बहुत मन में दुखी हो गया और गुस्सा आ गया। वो जगन्नाथ जी के पास जाके कहते हैं, जगन्नाथ जी हम तो ये सुने कि आप भक्तों के भक्त वत्सल है, आपके चरणों में जो भी आता है उनकी आप रक्षा करते हैं, लेकिन ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा, आप दो हाथ पसार के बैठे में कहा हो, आओ मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो मैं आया, आप मेरी रक्षा नहीं किए, ये लीजिए आपका करतल। करतल को जोर से फेंक के वो घर चला गया, और फिर उसने खाना पीना बंद कर दिया। मैं आज से मैं आपका कीर्तन करने नहीं आऊँगा, ऐसे सो गया घर में जाकर। जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए कि मेरा भक्त मुझे छोड़ के चला गया कीर्तन दुखी होकर के। तो जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया रात को कि ये मणिदास मेरा भक्त है, उसका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका नृत्य मुझे अच्छा लगता है, और इसको पंडा लोग ने उसको परेशान किया, इसलिए वो भाग गया, वो खाना नहीं खाया, अब वो खाना नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाना खा सकता हूँ। तो राजा गए, राजा ने मणिदास के पास जाके उनको स्वस्थ किया,
उनको सांत्वना दिया और मणिदास बाबा के भगवान ने कहा कि तुम इधर कीर्तन करो, नृत्य करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुराण पांडा को बोला कि तुम लोग लक्ष्मी देवी मंदिर में जाके वहाँ पर पुराण पढ़ो। तो आज भी आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में, जो लक्ष्मी मंदिर है पीछे, वहाँ पर प्रतिदिन पुराण पाठ होता है, पुराण पाठ चलते रहता है, पांडव लोग करते रहते हैं। तो ये था मणिदास की कथा नाट मंदिर में। जो नाट मंदिर है वो बहुत बड़ा है। हम लोग जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो नाट मंदिर में पहले हम लोग घुसते हैं, जो दोनों तरफ दरवाज़ा, इधर से भी और इधर से भी, और इधर सामने से भी, लेकिन सामने से बंद करके रखते हैं, लेकिन दोनों तरफ। वो मेन जो जगह है उसका नाम है नाट मंदिर। उस नाट मंदिर का साइज है 67 फीट बाय 67 फीट, इतना बड़ा स्क्वायर है वो। और इस नाट मंदिर में देखेंगे बीच में बहुत सारे पिलर्स हैं, सब पिलर में बहुत भगवान की लीलाएं और मूर्तियां लगी हुई हैं। एक एक पिलर में बहुत सारी मूर्तियां हैं। तो उस नाट मंदिर के एकदम पीछे कांची विजय का पूरा दृश्य अंकन किया हुआ है कि जगन्नाथ जी और बलदेव, जो कांची विजय, कांची अभिनय हम यात्रा एक दिन एक कथा सुनाएंगे आगे चल के, कांची अभिनय जगन्नाथ का। तो कांची विजय यात्रा का पूरा मूर्तियां बना के पूरा प्रदर्शन है नाट्य मंदिर के एकदम पीछे। जगन्नाथ घोड़े पे जाके जा रहे हैं और वो छांस दे रही है बुढ़िया, वो दृश्य है। और उधर ही नाट्य मंदिर के पीछे जो भोग मंदिर, उसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, दोनों जगन्नाथ जी और हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, ब्रह्मा शिव, ये देखेगा। इसके अलावा नाट मंदिर में गोपियाँ ने एक रथ बनाया, आपस में मिल के गोपियों ने रथ बनाया, वो भी उसका दृश्य है, रथ के ऊपर भगवान कृष्ण को सवार कराया। और पूरे सब दीवालों में श्री कृष्ण और रामचंद्र की सब लीलाओं का अंकन है, श्री कृष्ण की बाल लीला से लेकर अंतिम तक सब एक एक लीलाओं का पूरा प्रदर्शनी है नाट मंदिर में। ये नाट मंदिर में सब दर्शन का स्थल है। नाट मंदिर के एकदम पीछे में गरुड़ स्तंभ है, करीब 6 फुट ऊंचा है। और ऐसा माना था गरुड़ स्तंभ की जो ऊंचाई है वो जगन्नाथ जी का जो रत्न वेदी है उस लेवल का है। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते थे तो गरुड़ स्तंभ के पास में खड़े होकर के दर्शन करते थे, घंटा घंटा चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्कंद के पास में खड़े रहते थे और जगन्नाथ जी को देखते रहते थे। आज भी हमारे गौड़ीय वैष्णव भक्त जाते तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु का उस लीला को याद करते हुए। एक बार ऐसा भी हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे थे और उनके हृदय में भाव प्रकाश हुआ और उनके भाव से उनके जो गरुड़ स्तंभ पे उनका हाथ उनका रखा हुआ था वो गरुड़ स्तंभ पिघल गया उनके हाथ से, तो उनका हाथ का उधर निशान हो गया गरुड़ स्तंभ के ऊपर। अभी सब लोग देखते हैं वो निशान को। चैतन्य महाप्रभु का ये मानना था कि कोई भक्त का, जब भगवान का अगर दर्शन करना है तो किसी भक्त का आश्रय लेना चाहिए, तो क्योंकि जगन्नाथ जी के सामने गरुड़ देव बैठे हुए हैं तो उनके आश्रय में लेकर जगन्नाथ को देखेंगे तो अच्छा लगेगा, ये भाव से वो गरुड़ जी के पीछे रहते थे। चैतन्य चरितामृत में आता है गरुड़ स्तंभ के बारे में, प्रभु कहे मंदिर भीतर ना जाइबो, गरुड़ेर पासे रही दर्शन करिबो। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु पहले दिन
मंदिर में गए थे तो उनको भाव उदय हुआ था और अपना कंट्रोल खो बैठे थे चैतन्य महाप्रभु, और दौड़ के विग्रह के पास भगवान जगन्नाथ को मिलने के लिए, उनको पकड़ने के लिए दौड़ के अंदर भाग रहे थे। उस समय पांडवों ने उनको पकड़ के उनको थोड़ा महाप्रभु को पांडव लोग ने उनको साधारण आदमी समझ के उनको पकड़ के उनको दंड देने का प्रयास कर रहे थे। तो इस बात को लेकर के भक्त लोग बहुत चिंतित थे कि महाप्रभु को हम अभी अकेले जाने नहीं देंगे, तो मुश्किल है। तो महाप्रभु बोले कि नहीं, अभी मैं कभी पास में नहीं जाऊँगा, प्रभु कहे मंदिर भीतरे ना जाए, हमें भीतरे ना जाए, वो गरुड़ेर पास नहीं दर्शन करी, वो गरुड़ के पास रह के मैं दर्शन करूँगा, अभी कभी और आगे मैं नहीं जाऊँगा। और एक गरुड़ संघ की बात देखी है चैतन्य चरितामृत में, गरुड़ेरो सन्निधाने रही करे दर्शने श्यानंदेर की कही वो, श्यानंदेर की कही वो भले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले से खाल भरिलो अश्रु जले। गरुड़ स्तंभ के नीचे छोटा सा नीचा जगह है, नीचा, और चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन कर रहे थे, उनकी आँखों से आंसू बहते थे और नीचे का जो खाल था वो उनके आंसू से भर गया। चैतन्य महाप्रभु के आंखों आंसू से जल से गरुड़ स्तंभ के नीचे जो थोड़ा नीचा लो था उसको भर जाता था पानी से, आंखों से आंसू से। तो ये हो गया नाट्य मंदिर का वर्णन। तो पहले गर्भ मंदिर का वर्णन किया हमने, सिर्फ मणि कोठा है, चार विग्रह हैं और दो विग्रह सालग्राम से बना हुआ है, छोटा सा पतला परिक्रमा का मार्ग है, सब लोग साल में कभी एक विशेष स्थिति में परिक्रमा का आयोजन होता है कर पाते हैं। दूसरा हो गया जगमोहन, जगमोहन छोटा सा जगह है जहाँ से हम लोग दर्शन करते हैं, उसका दो तरफ अंदर जाने का रास्ता है, सामने दरवाज़ा। फिर हो गया नाट मंदिर, उसमें क्या क्या दर्शन करने का बता दिया, दो दरवाजा है दोनों तरफ। और नाट मंदिर के जस्ट पहले फ्रंट में भोग मंडप है, भोग मंडप की साइज है 18 मीटर, 18 मीटर बाय 18 मीटर, सब कह रहे सब स्क्वायर है सब कुछ, तो 18 मीटर। ये भोग मंडप बहुत बाद में बना है, पूरा मंदिर एक साथ नहीं बना है, जगन्नाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो पहले बना हुआ था, बाद में एडिशनल हुआ है, नाट मंदिर ऐड हुआ है, भोग मंडप ऐड हुआ है। भोग मंडप में जगन्नाथ जी का जो बड़ा भोग होता है वहाँ पर लगता है, मतलब यहाँ भोग लगता है, यहाँ से जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, उसका दूसरा नाम है छत्र भोग। भोग मंडप के अंदर चारों दीवारों में भगवान की लीलाओं का चित्रांकन किया गया है। भोग मंडप को शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, भोग मंडप का निर्माण किया है शंकराचार्य जी ने। तो ये हो गया मंदिर के अंदर का वर्णन, भोग मंदिर, नाट मंदिर, जगमोहन, गर्भगृह। अब मंदिर के बाहर, मूल मंदिर के बड़ देवल के बाहर, बड़ देवल के बाहर का बात। तो मंदिर की दो मुख्य दीवार हैं, दीवार को प्राचीर कहते हैं, प्राचीर उड़िया में और बंगला में भी। तो जो पहले बाहर की दीवार है उसका नाम मेघनाथ प्राची, और सेकंड जो अंदर में दीवार है उसका नाम है कूर्मा प्राचीर। मतलब एक पूरा बाउंड्री वॉल है बहुत बड़ा, वो पहली बाउंड्री वॉल है उसका नाम है मेघनाथ प्राचीर, जो एकदम मुख्य है वहाँ से एंट्री होती है। उसके बाद और एक बाउंड्री वॉल आता है जिसका नाम है कूर्मा प्राचीर। तो मेघनाथ प्राचीर जो है उसका लंबाई 325 फुट है एक साइड में, फिर 344
फिर 325, फिर 344, ये उनका साइज है। और ये दीवार का ऊंचाई है 22 फुट ऊंचा है जमीन से, और 6 फुट चौड़ा है दीवार। मेघनाथ प्राची है, और कुर्मा प्राचीन ये 400 फुट और 278 फुट है, ये भी चार पाँच फुट इसका चौड़ाई है, 20 फुट हाइट है। तो अभी तो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मेघनाथ प्राचीर और कुर्मा प्राचीर दोनों के जो बीच का एरिया है उसको बोलते हैं बाहिर बेड़ा, बाहिर बेड़ा और मेघनाथ बेड़ा और कुर्मा बेड़ा, सुबोध कुर्मा बेड़ा। और कुर्मा बेड़ा और मंदिर उसके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं भीतर बेड़ा। तो बाहिर बेड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं और उससे डबल भीतर बेड़ा में और मंदिर है, डबल मंदिर, असंख्य मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो उस मंदिरों का वर्णन किया जा रहा है कि कौन से मंदिर हैं पूरे जगन्नाथ बड़ो देवल के अलावा, मेन मुख्य मंदिर के अलावा और क्या क्या मंदिर हैं, इसका वर्णन शुरू होता है। तो सबसे पहले इस मंदिर के चार दरवाजे हैं, चार मुख्य द्वार हैं। चारों दिशा में चार द्वार हैं। सबसे मुख्य द्वार है पूर्व दिशा वाला द्वार, इसका नाम है सिंह द्वार। दक्षिण द्वार जो है उसका नाम है अश्व द्वार, घोड़े का। पश्चिम द्वार का नाम है व्याघ्र, बाघ। और उत्तर द्वार है उसका नाम है हस्ती, हाथी। ये चार द्वार है। ये चारों द्वार के अलग अलग महिमा है और अलग अलग उनका महत्व है, तो हम उसका बता दें कौन से द्वार की क्या महिमा है। सबसे पहले सिंह द्वार। सिंह द्वार की महिमा है, सिंह द्वार से सब मैक्सिमम लोग सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं। सिंह द्वार भक्ति, जिनको भगवान की भक्ति चाहिए वो लोग सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं, तो भक्ति का द्वार है। इस द्वार से सब बड़े बड़े भक्त, पुजारी और पांडा सब लोग इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। दूसरा द्वार है, तो इस द्वार के बाहर दो शेर सिंह हैं बड़े बड़े, इसका नाम सिंह द्वार रखा है। दूसरे द्वार हो गए उत्तर दिशा में जो हस्ती द्वार है, हाथी। हाथी द्वार मोक्ष का द्वार माना जाता है, इस द्वार से देवता लोग आना जाना करते हैं। दक्षिण द्वार जो घोड़े वाला अश्व द्वार है, ये द्वार, इस द्वार का समृद्धि, यश, यश समृद्धि, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य प्राप्ति का द्वार है। इस द्वार से राजा लोग आना जाना करते हैं, गजपति, राजा, रानी, उनका ये द्वार है। और कांची विजय के समय राजा पुरुषोत्तम देव इस द्वार से निकले थे। और इस द्वार के बाहर दो घोड़े हैं, उस दो घोड़ों के ऊपर दो सिपाही बैठे हुए हैं, बहुत बड़े वो घोड़े हैं और दो सिपाही बैठे हुए हैं। और ये दो सिपाही देखिए, एक सांवला है, एक गोरा है, मतलब वो जो सांवला है वो जगन्नाथ जी कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और जो गोरा है वो बलदेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कृष्ण और बलदेव कांची विजय अभियान में पुस्तम देव के साथ गए थे लड़ाई करने, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये अश्वद्वार पे सैनिक बन के। इसके बाद चौथा जो द्वार है व्याघ्र द्वार, व्याघ्र द्वार है ये तांत्रिक का द्वार है, काम काम की प्राप्ति के लिए, कामना वासना भौतिक कामना वासना पूर्ति का द्वार है व्याघ्र द्वार। और जितने तांत्रिक लोग हैं वो अघोरी बाबा लोग तांत्रिक लोग इस द्वार से एंट्री करते हैं। तो हमने सिंह द्वार भक्ति का द्वार हो गया, भक्त सब भक्त लोग वहाँ से जाते हैं। हस्ती द्वार मोक्ष का द्वार हो गया, देवता लोग प्रवेश करते उत्तर का हो गया। दक्षिण में अश्वद्वार है जो सुख समृद्धि ऐश्वर्य का द्वार है, राजा लोग प्रवेश करते हैं। और पश्चिम में व्याघ्र द्वार कामना वासना पूर्ति का द्वार है, तांत्रिक लोग वहाँ से एंट्री करते हैं। अभी नील चक्र के बारे में सुनते हैं। नील चक्र, ये नील चक्र है, ये सुदर्शन चक्र भी है इसका नाम। इसका साइज है 36 फीट, इसका डायमीटर है। ये चक्र पुराना चक्र टूट गया था तो 1594 साल में इसका दोबारा इसको बनाया गया है चक्र को। इस चक्र के ऊपर पताका झंडे ध्वजा फहराती रहती है लगाई जाती है। और ये पताका बहुत लंबी, अभी जो वर्तमान में जो पताका लगाते हैं 14 हाथ की पताका होती है, 21 फीट की। और लेकिन ऐसे लिखा है ये ग्रंथ में, मादला पंजी नाम का ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि पहले जो पताका बहुत लंबी होती थी, 200 फुट 250 फुट की लंबी पताका होती थी, और उससे भी लंबी लंबी पताकाएँ लगती थी। और ऐसा लिखा है कि एक पताका समुद्र को छूती थी, पताका का जो एंड है वो समुद्र को टच करता था, इतनी लंबी पताका लगाते थे। और एक पंडा राम चंद्र पंडा एक हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है कि वो जब छोटे थे बचपन में तो उन्होंने देखा था कि पताका का एंड उनके घर में जाके टच हो जाता था, उनका घर पास में वहाँ जाके पताका लग जाती थी इतनी लंबी। तो दिन दिन उसकी साइज कम होती जा रही कारण से 250 फुट लंबी पताका लगती थी, उन्होंने देखा खुद अपने आप से। ये पताका के बारे में बहुत कुछ मानता है लोगों की, तो शाम को 5 डेली पताका बदलती है। तो एक आदमी होता है पताका बदलने वाला, वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है पताकाओं ले जाता है और नीचे से सब लोग देखते रहते हैं, एक एडवेंचरस वो लगता है देखने में। सब लोग भगवान को श्रद्धा के साथ भय के साथ प्रार्थना करते हैं और कुछ मानता है पूरी होती है तो लोग पताका लगाते हैं। उसका कुछ डोनेशन होता है वहाँ पर, जो पास में एक छोटा सा ऑफिस है वहाँ पर लिखवाने से आप डोनेशन कर सकते हैं और पताका स्पॉन्सर करके, आप जितने लोग स्पॉन्सर करते उतनी पताका चढ़ जाती है। वैसे एवरेज 5 पताका वो लोग चढ़ाते हैं डेली। तो ये हो गया यहाँ का, अभी हो गया हम देखेंगे बाहरी बेड़ा का दर्शनीय स्थान, मतलब कूर्म बेड़ और मेघनाथ बेड़ के बीच में जो जगह है उसमें क्या क्या दर्शनीय स्थान है उसका हम अभी परिक्रमा करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे सिंह द्वार से,
पूरा राउंड सर्कल घूम के आएंगे, क्या क्या देखना है देख लेते हैं। सबसे पहले मंदिर में एंट्री करने के पहले अरुण स्तंभ है, मंदिर के बाहर ऊंचा करीब इसका ऊंचाई है 33 फीट हाइट है ये अरुण स्तंभ जो देख पा रहे हैं। इसके सब लोग सोचते हैं गरुड़ स्तंभ होगा, लेकिन इसका सीक्रेट है कि गरुड़ स्तंभ नहीं है, ये अरुण स्तंभ है। तो अरुण स्तंभ यहाँ कैसे आया इसका एक स्टोरी है, इसकी कथा है। ये अरुण स्तंभ पहले कोणार्क मंदिर में था, क्योंकि कोणार्क मंदिर में भगवान सूर्यदेव का पूजा होता है और सूर्यदेव के वाहन कौन है, अरुण देव। अरुण देव सूर्य के वाहन है, सूर्य के भक्त है। तो कोणार्क मंदिर के बाहर ये अरुण स्तंभ था, लेकिन उस मंदिर के ऊपर जब आक्रमण किया था मुस्लिम राजाओं ने और मंदिर को तोड़ दिया था, तब एक महाराष्ट्र के एक बाबा ब्रह्मचारी कोई थे, उसमें दिव्य सिंह देव राजा थे, उन राजा की सहायता से उन्होंने अरुण स्तंभ को उधर से यहाँ शिफ्ट करवाया। कोणार्क मंदिर से अरुण स्तंभ को लाया गया और जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थापित किया गया। और ये अरुण स्तंभ की जो हाइट है 33 फीट, तो ऐसा माना जाता है कि जो हाइट है वो जगन्नाथ की वेदी से बराबर की हाइट रखी गई है। और वहाँ पर जो सूर्यदेव भगवान थे कोणार्क में, उनको भी लाया गया। जब मंदिर टूट गया कोणार्क का मंदिर, तो उनके जो विग्रह थे उनको जगन्नाथ मंदिर में, एक इंद्रदेव का मंदिर है, इंद्रदेव के मंदिर के अंदर अभी सूर्यदेव का पूजा हो रहा है, सूर्य मंदिर का है उधर, वो कोणार्क के है विग्रह। अरुण स्तंभ को क्रॉस करके हम लोग प्रवेश करते हैं सिंह द्वार में। अरुण स्तंभ के वहाँ पांव धोने का भी जगह बहुत पहले से प्रचलन है, चैतन्य महाप्रभु भी पांव धोते थे वहाँ जा करके, और अभी भी पांव धोने का सिस्टम है। सिंह द्वार में आप जैसे ही एंट्री करेंगे, सबसे पहले उस सिंह द्वार में देखेंगे दोनों तरफ वेदी बना हुआ है, उधर लोग पंडा लोग बैठे रहते हैं, एक पूरा घर जैसा है, और उसमें चारों ओर छोटे छोटे भगवान के विग्रह और मूर्तियां हैं, फोटो है भगवान के, उन सब की महिमा है। तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे तो आपको एक पतित पावन जगन्नाथ दिखेंगे सिंह द्वार में। देखिए यहाँ से थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिख रहा है, एक आंख दिख रहा है, वो है पतित पावन जगन्नाथ। तो ये पतित पावन जगन्नाथ सिंह द्वार में किस लिए है, जो लोग को मंदिर में अंदर जाने का एंट्री नहीं होता है उनको भगवान दर्शन देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं जगन्नाथ जी, या इनको देखने से जगन्नाथ को देखने का ही बराबर है। तो जो लोग जगन्नाथ को साक्षात नहीं देख पा रहे उनके लिए इनकी एक लीला है। एक राजा थे रामचंद्र देव, 1732 साल का लीला है। रामचंद्र देव जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, वो राजा थे, मुगल शासन के अधीन में वो उड़ीसा का राज्य संभाल रहे थे। तो मुगल राज उस समय तकी खान सूबेदार, ये तकी खान सूबेदार को उड़ीसा का हेड बनाया गया था, उसके अंडर में रामचंद्र थे। तो तकी खान सूबेदार ने रामचंद्र को आक्रमण किया, रामचंद्र देव को, और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया
और उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रेशर डाला रामचंद्र को, देव को, रामचंद्र देव राजा को। तो बहुत दिन जेल में थे और तो मुस्लिम नहीं बन रहे थे, तो उनको फिर धमकी दिया कि मैं जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दूंगा, जगन्नाथ मंदिर को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, अगर तुमको अगर जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा करना चाहते हो तो मेरा बेटी से शादी करो और मुसलमान बन जाओ। राजा ने ऐसा धमकी दिया। तो रामचंद्र देव राजा ने बहुत विचार किया कि क्या किया जाए, हम मुसलमान बन जाना अच्छा है कि हम जेल में पड़े रहेंगे और राजा मंदिर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो राजा की बेटी थी उसका नाम है रिजिया, वो जाके मिलती है उससे, रामचंद्र देव से, राजा से जेल में जाके मिलती है और कहती है कि हे राजन रामचंद्र देव, आप मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि वो भी उनकी माँ हिंदू थी, बोले हिंदू उनकी माँ थी, उससे वो राजा ने शादी कर लिया था मुसलमान राजा। तो बोलते आप, वो उनकी माँ हिंदू थी इसलिए उनके भी जगन्नाथ के प्रति बहुत भक्ति थी रिजिया को। तो रिजिया बोलते कि तुम आप देखिए, मेरे पिताजी तो बहुत ये हैं, क्रूर हैं, कट्टर हैं, वो जगन्नाथ के मंदिर को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे अच्छा कि आप ने मेरे शादी करके मुसलमान बन जाइए, भगवान तो सबके अंतर की बात जानते हैं, बाहर से खाली करना है। तो राजा बोलते कि मैं अगर तुमसे शादी करूँगा तो मैं पतित हो जाऊँगा, तुम मुसलमान की लड़की हो, और फिर मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाऊँगा। तो लड़की बोलती कि नहीं, आप अगर चाहते तो मुझे स्पर्श मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑफिशियली शादी कर लीजिए। तो इस तरह से दोनों के बीच में शर्त हुआ और उस राजा ने इस रिजिया से शादी कर लिया और ऑफिशियली मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये बात पूरे उड़ीसा में फैल गई और सब लोग बहुत दुखी हो गए कि इतने महान राजा, इतने बड़े जगन्नाथ के भक्त हैं, इन्होंने कैसे धर्म बदल दिया, क्यों मुसलमान बन गए। सब लोग नाराज हो गए और जो जगन्नाथ के जो मुख्य पंडा थे वो लोग मीटिंग किए और मीटिंग करके राजा को मंदिर में एंट्री बंद कर दिया कि हम अलाव नहीं करेंगे मुसलमान को अंदर में। फिर राजा की जितनी भी रानियां थी सब छोड़ के चले गए कि हमारा हस्बैंड मुसलमान बन गया, वो छोड़ के चले गए। तो राजा अकेले खुर्दा में, राजा का महल था, वहाँ रहते थे, वो खुर्दा से डेली जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने आते थे, लेकिन अभी उनका दर्शन करने गए तो उनको रोक दिया। तो रोक दिया तो जगन्नाथ के दरवाजे के बाहर खड़े रह गए और बाहर से उन्होंने भगवान को प्रार्थना करते रह गए, दिन भर प्रार्थना किए, और शाम को मंदिर बंद हो जाता था फिर भी राजा बाहर खड़े खड़े भगवान को प्रार्थना करते थे और वापस चले आते थे। तो प्रतिदिन उस वो राजा जगन्नाथ मंदिर के बाहर गेट के पास खड़ा रहता था और भगवान को बहुत प्रार्थना करता था और वापस आ जाता था। ऐसे करते करते जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं, मैंने मुस्लिम धर्म को ग्रहण नहीं किया है, ये तो आपका मंदिर को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, और आपका दर्शन में नहीं कर पाऊँगा तो ये तो फिर अन्याय हो रहा है, मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपके लिए मैंने धर्म चेंज किया, आप कृपा करिए। तो जगन्नाथ से रहा नहीं गया। तो जैसे मंदिर बंद हो जाता था उसके बाद उस राजा ने देखा कि जगन्नाथ जी स्वयं द्वार दरवाजे के ऊपर प्रकट हो गए और बहुत देर तक राजा उनका दर्शन किया। और फिर सुबह जब पुजारी लोग
दरवाज़ा खोले तो उनको दिखाई पड़ा कि मेन सिंह द्वार से लेके गर्भगृह तक फूल बिखरे हुए हैं। तो वो लोग समझ नहीं पाए क्या बात है। तो प्रतिदिन शाम को राजा आते थे मंदिर बंद होने के बाद, और जगन्नाथ जी उनको दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते थे गेट के पास, थोड़ा देर दर्शन देते थे फिर चले जाते थे, और प्रतिदिन पांडव लोग को फूल मिलते थे। तो वो लोग समझ नहीं पाए क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तब जगन्नाथ जी ने मुख्य पांडा को कहा कि ये जो राजा है मेरा परम भक्त है, और उसी के लिए मैं ना, वो एक पांडा ने जब देखा कि फूल क्यों बाहर इतना पड़ा हुआ, इसके कारण क्या है, तो उसने उपवास शुरू कर दिया। मुख्य पांडा ने उपवास शुरू किया तो फिर जगन्नाथ जी आकर के बोले कि मेरे परम भक्त हैं और वो उनको दर्शन देने के लिए मैं प्रतिदिन गेट के पास आता हूँ, उसको दर्शन देता हूँ। जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि मेरे प्रिय रामचंद्र देव राजा के उनके खुशी के लिए मैं उनको रेगुलर दर्शन देना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग सिंह द्वार के ऊपर मेरा रूप का प्रतिष्ठा करिए और मैं सिंह द्वार से उनको दर्शन दूंगा। तो जगन्नाथ जी के आदेश से सिंह द्वार के ऊपर जगन्नाथ का रूप को प्रकट किया गया, और तब से उसका नाम पतित पावन हो गया, उस जगन्नाथ का नाम, कि पतित लोग उनका दर्शन कर पा रहे। और हमने ये भी सुना था कि वो जगन्नाथ जी स्वयं से उस दीवार में प्रकट हो गए, हमने ये सुना था, इसमें वो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए उधर दीवार के ऊपर दर्शन देने के लिए। तो ये हो गया खाली गेट के अंदर का ही बात। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो सिंह द्वार में पतित पावन जगन्नाथ है, पतित पावन जगन्नाथ के पास में 18 हाथ नरसिंह देव का विग्रह है, छोटा सा एक खड्डा है उसमें छोटे से एक हाथ मंदिर विग्रह और उसका 18 हाथ भगवान जगन्नाथ नरसिंह देव का विग्रह है, उसकी पूजा होती है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर में प्रवेश करने के पहले सब लोग नरसिंह देव का दर्शन करते हैं, और फतेह हनुमान का विग्रह है बड़ा। रामानुज आचार्य ने एक स्थापना की है और इस फतेह हनुमान का दर्शन करना जरूरी है जगन्नाथ मंदिर में जाने के पहले, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के पहले फतेह हनुमान का दर्शन करना है। और सिंह द्वार में यम शिला है, जब सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे आप देखिएगा जो पहला सीढ़ी है, पहला सीढ़ी के नीचे एक लोहे का एक प्लेट है, नीचे वो लोहे का प्लेट नहीं है, एक्चुअली वो पत्थर है, विशेष पत्थर, लोहे जैसा पत्थर है, उसका नाम है यम शिला, और हम लोग उसके ऊपर पाँव नहीं रखते हैं। इसमें तो लिखा कि जाने के समय पाँव रखना चाहिए ताकि पाप छूट जाए, और आने के समय पाँव रखने से पाप आ जाएगा यमशिला के ऊपर, लेकिन हमने सुना था कि यमशिला को पाँव नहीं रखना है, आने जाने के समय उनको अवॉइड करके जाना है। तो यमशिला है, उसके बाद 22 पाँच मतलब 22 सीढ़ियाँ हैं, संस्कृत उड़िया में उसको पाँच बोलते हैं, तो 22 सीढ़ियाँ हैं, 22 सीढ़ियों का बहुत महिमा है। उड़िया में बहुत सारे गाना भी है, उस गाना में 22 पाँच के गाने हैं। तो जब उड़िया में किसी भी व्यक्ति को छोटा बच्चा होता है, नया बच्चा जब जन्म लेता है तो उनकी माँ उधर मंदिर में ले जाती है और 22 पाँच में अपने बच्चे को लौटाती है, लौटा उनको रोलिंग करते करके लेके आती है। ऐसे करने से क्या होता है कि इस 22 पाँच में हजारों लाखों वैष्णव आना जाना करते, सबकी चरण धूलि उसमें है, 22 में सबकी चरण धूलि, मतलब चैतन्य महाप्रभु की चरण धूलि उसमें है, सब वैष्णव की चरण धूलि है, तो वो बहुत महिमा वाला है 22 पाँच। इसलिए जितने भी कुछ भी विशेष कुछ भी होता है उड़िया में, कोई बच्चे का जन्म होता है
और किसी को कोई बीमारी हो गया, कोई प्रॉब्लम है, तो सब लोग 22:5 में उसको उधर गड़ागड़ी कर दें ऊपर से नीचे, वैष्णवों की धूली अपने चरणों के अपने सर पर लेते हैं शरीर में, इसको कहते हैं 22:5। इसके बाद सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करके क्या क्या है वह मैं कल बताऊंगा। सिंह द्वार में क्या था बता दिया, मंदिर में एंट्री करते हैं तो कौन से दर्शन है, कल शाम को हम लोग फिर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।